जय गणेश। तो जी हां गाइस, स्वागत है आपका B2P गेमिंग के चैनल पे। तो देखो भाई, सीधी सरल बात है, 2021 आने वाला है और 2019-2018 के मैं बेस्ट पोकेमोन बताने वाला हूं जो पोकेमोन गो में ऑलराउंडर है, मतलब भाई हाईएस्ट सीपी पोकेमोन है। तो चलो यार, बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और भाई मैं सही बता रहा हूं, सीपी वाइज बताऊंगा कि कौन सा पोकेमोन सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीपी पे है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बेस्ट सेट मूव भी बताऊंगा। उसी के साथ-साथ बताऊंगा कि भाई ये पोकेमोन कब से कब आने वाला है। इसी के साथ साथ एक और चीज बताऊंगा कि भाई लेवल 50 पे इसकी क्या सीपी हो जाएगी और लेवल 40 पे क्या इसकी सीपी होने वाली है। तो चलो यार, बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहला बनता है वो एक बंदर है, जी हाँ गाइस, भाई स्लेकिंग। स्लेकिंग अपने आप में हाईएस्ट सीपी पोकेमोन है लेवल 40 पे भी, अगर 100 आईवी है तो, पहले बोल रहा हूँ 100 आईवी। और भाई इसके बेस्ट सेट मूव है योन और हाइपर बीम, मजाक नहीं कर रहा भाई, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीपी पोकेमोन है पोकेमोन गो का लेवल 50 पे। तो भाई इसकी सीपी चली जाती है 5000 से ऊपर, जो भाई लेवल टू रेड जो आती है ना भाई, उसकी होती है भाई 3500-4000, इसकी चली जाएगी पूरे 5500 या 5000 सीपी के ऊपर, मजाक नहीं कर रहा भाई। स्लेकिंग के ये जो बेस्ट सेट मूव है बहुत ज्यादा खतरनाक है, और भाई सही बता रहा हूँ, एचपी में इतना खतरनाक नहीं है ये, पर सीपी वाइज देखे तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरे नंबर पर आता है ग्राउंड डाउन। ग्राउंड डाउन की सीपी तुम देख लो यार, 4101 सीपी है इसकी, और ये 97 आईवी का ग्राउंड डाउन है। 100 आईवी का होता तो 4150 चली जाती इसकी सीपी, लेवल 50 पे ग्राउंड डाउन की सीपी चली जाएगी 44500 के ऊपर। और सही बता रहा हूँ, ग्राउंड डाउन का बेस्ट सेट मूव अब तक है मट स्लैप और इसके साथ साथ फायर पंच, और भाई गूगल के हिसाब से अर्थक्वेक और सोलर बीम, पर लेकिन फायर पंच इसका लेगेसी मूव है जो भाई खतरनाक है। फायर पंच और भाई फायर पंच तो इसका मेन मूव, और मट स्लैप इसका लोकल मूव, तो भाई बहुत ज्यादा गदर मचाने वाला है। ग्राउंड डाउन जनवरी में आने वाला है, जनवरी एंड में आएगा, तो मेक श्योर टू रेट एंड गेट 100 आईवी ग्राउंड डाउन। और अगर इसका शाइनी फॉर्म मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। ग्राउंड डाउन भाई सही बता रहा हूँ, जनवरी में आने वाला है, जनवरी की अपडेट मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो जनवरी वाली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, जनवरी वाली वीडियो में इसकी डेट और टाइमिंग लिखी हुई है। तीसरे नंबर पर आएगा अपना कायोगर भैया, ये मेरे पास शाइनी फॉर्म नहीं अवेलेबल है, पर इसका बेस्ट सेट मूव है हाइड्रो पंप और इसके साथ साथ वाटरफॉल। और सही बता रहा हूँ भाई, इसके बेस्ट सेट मूव है बेस लड़ी, मतलब भाई अगर इसके पास कोई आइस टाइप मूव आ जाए तो भाई क्या ही कहने हैं। भाई सही बता रहा हूँ, कायोगर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सीपी पोकेमोन में चले जाएगा, 4500 के ऊपर चले जाएगी इसकी सीपी। एंड वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक चार्ट दिखा दूंगा जिसमें मैं अपने सारे पोकेमोन दिखाऊंगा टॉप 5 या टॉप 6 की लिस्ट वाली, तो मेक श्योर टू भाई वॉच द वीडियो टिल एंड। और सीधी सरल बात है भाई, बहुत सारे ऐसे पोकेमोन हैं जो टॉप 5 की लिस्ट में जगह बना लेंगे 2021 में, क्योंकि भाई ये तो बस कुछ चुनिंदा पोकेमोन है। और भाई देख लो, कायोगर सही बता रहा हूँ भाई 4000 सीपी के ऊपर चले जाता है लेवल 40 पे, और लेवल 50 पे भाई 4500 के ऊपर चले जाएगा। बेस्ट बेटी बनाओगे तो क्या पता 4800 भी चले जाए। और सबसे अच्छी बात भाई बताऊँ क्या है कायोगर की, ये आने वाला है जनवरी में, और इसकी डेट और टाइमिंग वीडियो में देख चुका हूँ, तो भाई वो वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, दूसरी बार बोल रहा हूँ। और तीसरी बात अपन कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीपी पोकेमोन और सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है वो है अपने म्यूटू भैया। और सही बता रहा हूँ, गदर मचा देता भाई ये पोकेमोन, मतलब ऑल टाइम फेवरेट और बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन है पोकेमोन गो की हिस्ट्री में, क्योंकि भाई म्यूटो इकलौता ऐसा पोकेमोन है जो कोई क्लोन पोकेमोन के बावजूद इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इसकी सीपी टॉप 5 की लिस्ट में तो बिल्कुल जगह बनाने वाली थी। मैं सही बता रहा हूँ, 4800 के ऊपर इसकी सीपी चली जाती है लेवल 50 पे, और अगर तुम लेवल 40 के पे हो तो 4000 के ऊपर चली जाएगी इसकी सीपी। बेस्ट सेट मूव तुम देख लो साइड स्क्रीन पे, साइकिक है और कंफ्यूज है। और अगर म्यूटू वर्सेस म्यूटू की लड़ाई हो रही है तो भाई शेडो बॉल के तो क्या ही कहने हैं। शेडो बॉल अपने आप में मेरा पर्सनल फेवरेट मूव सेट है म्यूटू का, और भाई सही बता रहा हूँ साइकिक तो भाई क्या ही कहने हैं, बहुत ज़्यादा मजा आएगा अगर म्यूटू रेड में आ जाए। और हाँ, एक गुड न्यूज़ और है, म्यूटू आने वाला है रेड में फरवरी मार्च तक आ जाएगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आर्मम यूट्यूब भी आएगा रेड में, और अब तक आर्मम यूट्यूब का शाइनी फॉर्म रिलीज नहीं करा है। इसी के साथ साथ भाई आर्मर म्यूटू का भी कोई अभी तक लेगेसी मूव नहीं आया, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तीसरी बात, आर्मर म्यूटू की सीपी हमेशा कम होती है नॉर्मल म्यूटू से, तो आर्मर म्यूटू जगह नहीं बनाता है, नॉर्मल अपना सादा सोबर म्यूटू हाईएस्ट सीपी पोकेमोन की लिस्ट में बिल्कुल जगह बनाता है, और ये नंबर आता है 2 पे मेरी लिस्ट पे। तो भाई इसे बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास म्यूटू है तो पावर अप करो, नहीं है तो मैं गिव अवे करूँगा, तो पार्टिसिपेट कर लेना। और म्यूटू की सबसे अच्छी बात बस यही है कि म्यूटू बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन के साथ साथ सबसे ज़्यादा मूव
सीक्रेट रखने वाला भी पोकेमोन है। मतलब जहाँ तक मैंने देखा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, म्यूटू के पास आइस टाइप मूव भी आ जाते हैं कभी कभार और फायर टाइप भी आ जाता है, तो भाई म्यूटू ऑलराउंडर है। पर लेकिन नंबर वन पे आता है अपने रेजिगिगस भैया, जिसका शाइनी फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और सच बताऊँ ये पोकेमोन अभी तक रिलीज हुआ ही नहीं है, नॉर्मल रेड में, एक्स रेड में आया था गुजरात में। मैंने अपने एक्स पास से करी थी, हाँ मैं स्पूफंड नहीं था, पर लेकिन मैंने अपने दूसरे अकाउंट से करी थी। तो भाई सही बता रहा हूँ, रेजिगिगस की सीपी चली जाती है 5000 से ऊपर। और भाई सही बता रहा हूँ, ये नॉर्मल टाइप पोकेमोन है जिसके पास हर तरीके के मूव सेट हैं। और इसका सबसे सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मूव सेट है वो है हिडन पावर और गीगा इम्पैक्ट। मतलब भाई गुदर भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन है, पीवीपी में तो भाई आग लगा देता है ये। और सही बताना हो, अगर तुम्हें रेजिगिगस पकड़ना है तो भाई ये 2020-2021 में बिल्कुल आ जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारा भाई देगा। और रेजिगिगस की सबसे अच्छी बात ये है, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड पोकेमोन है, मतलब भाई कुछ गिने चुने प्लेयर्स के पास है। और सही बताऊँ बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास भी नहीं है, पर तुम्हारे भाई के पास ये पड़ा है। तो अगर तुम इसका गिव अवे चाहते हो मैं करूँ तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और सही बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एंड में इसकी सीपी बता दूंगा कि इसकी हाईएस्ट सीपी क्या है। तो भाई 5000 के ऊपर चले जाता है, और अगर तुम लेवल 40 पे हो तो ये 4000 के ऊपर चले जाएगा। तो ये तो हो गए भाई टॉप 5 पोकेमोन की बात। पर लेकिन कुछ ऐसे पोकेमोन भी है जो टॉप 5 की लिस्ट में जगह बिल्कुल बनाते हैं, जैसे अपने राम जी भैया मतलब रैशी राम। और सही बता रहा हूँ, इसकी सीपी 4090 तक चली जाती है, और ये तो बस लेवल 40 पे है। लेवल 50 पे तो ये 4500 के ऊपर चले जाएगा, जो कायोगर और ग्राउडोंगो तक कर दे सकता है। ऐसे बहुत सारे पोकेमोन है, जैसे गार्चॉप हो गया, और इसी के साथ साथ सलामेंसर हो गया, और भाई ऐसे बहुत सारे, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। पर लेकिन सही बता रहा हूँ, मैं तो मैं आगे दिखा लेता हूँ 4-स्टार लेजेंडरी पोकेमोन और इनकी हाईएस्ट सीपी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं रकवासा की, और रकवासा चले जाता है मात्र 4400। अगर सही बता रहा हूँ, टॉप 10 लिस्ट की होती तो भाई रकवासा का नाम बिल्कुल आता। तो भाई अब तुम अपनी स्क्रीन पे देख लो भाई, ये है लेवल 50 के हाईएस्ट सीपी पोकेमोन, जो भी मैंने बताया, बस लैकिंग जा रहा है 5000 सीपी के ऊपर। रेजिगिगस जा रहा है 4972, बेस्ट पर्डी बनाओगे तो 5000 के ऊपर तो बिल्कुल चले जाएगा। इसी के साथ साथ म्यूटू भैया भी चले जाते हैं 4780, और भाई ग्राउडॉन और कायोगर दोनों की सीपी सेम ही है 4708 सीपी, वो भी लेवल 50 पे। तो सही बता रहा हूँ, ये सारे पोकेमोन की हाईएस्ट सीपी है, टॉप 5 हाईएस्ट सीपी पोकेमोन है। तो जितना हो सके इनकी रेड करो, बहुत सारी कैंडी लगने वाली है इनको पावर अप करने में। तो भाई सही बता रहा हूँ, अगर तुम लेवल 40 हो तभी तुम भाई ये 4-5000 के सपने देखो, 4-5000 सीपी के सपने देखो, वरना अगर तुम्हारी लेवल कम है तो भाई बहुत सारी रेड करने की तैयारी कर लो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो भाई सीधी सरल बात है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई सा ऐसा पोकेमोन जो मैं मिस कर चुका हूँ, या फिर मैंने बताया नहीं, या फिर मेरे को नॉलेज नहीं है, तो तुम जरूर से कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करो। तो बस यार बाय बाय।